हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली टूटी क्लासेस टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ वन लाइनर ऑन रिग्रेशन अ क्विक रिवीजन फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स बिजनेस स्टेटिस्टिक सिलेबस एज वेल एज फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट सिलेबस सो लेट्स कम टू द पॉइंट सो द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन टू डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिग्रेशन क्या होता है स्टेपिंग बैक स्टेपिंग रिग्रेशन मतलब पीछे जाना यहाँ क्या है रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू जब एवरेज वैल्यू पर रिटर्न करेंगे डैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन रिग्रेशन की डिक्शनरी मीनिंग बताया गया स्टेपिंग बैक और अगर हम स्टैट्स की लैंग्वेज में बोलें तो रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू अब अगर हम एग्जैक्टली exactly डिफाइन करें कि रिग्रेशन होता क्या है तो ये एक नेचर ऑफ रिलेशनशिप है जैसे कोरिलेशन में होता था ना दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता था रिग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं अगर हमें दो वैल्यूज मान लो एक्स और वाई में से वाई की वैल्यू मालूम है तो उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं ठीक है कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल सो डैट वन मे बी एबल टू प्रिडिक्ट द अन नॉन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ नॉन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल कि अगर हमें एक वैल्यू पता हो एक्स और वाई में से कोई एक वैल्यू पता है और दूसरी वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो जो वैल्यू पता है उसके बेस पर हम दूसरी वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं तो रिग्रेशन भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है जहाँ पर हम एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अब रिग्रेशन के टाइप्स पर आ जाते हैं सिंपल रिग्रेशन क्या होता है जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं एक होता है हमारा मल्टीपल रिग्रेशन मल्टीपल के अंदर मोर देन टू वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है लीनियर रिग्रेशन होता है जब एक वेरिएबल क्या हैन वन वेरिएबल चेंजेस विद अदर वेरिएबल इन सम फिक्स रेशो मतलब जब दो वेरिएबल हैं जैसे एक्स और वाई तो जब दोनों के चेंज होने की रेशो एक जैसी है फिक्स है तो वो हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या होगा इफ़ वन वेरिएबल वेरीज विद अदर इन चेंजिंग रेशो मतलब क्या है वहाँ पर लीनियर के अंदर हमारी रेशो फिक्स थी यहाँ पर हमारी रेशियो क्या हो रही है एक्स और वाई के बीच में चेंज हो रही है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इस तरह के रिग्रेशन को कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिग्रेशन भी बोला जा सकता है आगे बात करें पार्शियल रिग्रेशन जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हों किसी के मतलब तीन वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप है पर एक टाइम पर हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी करें तो वो हो जाता है पार्शियल रिग्रेशन ठीक है टोटल रिग्रेशन क्या होगा टोटल रिग्रेशन में सारे के सारे वेरिएबल एक साथ स्टडी किए जाते हैं यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है कि सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साथ ही स्टडी किया जाएगा वो हो जाएगा टोटल रिग्रेशन क्लियर हुआ इतना बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए अब आगे बात करते हैं कि रिग्रेशन लाइन ये पूरा कर लेना दिस इज रिग्रेशन लाइन पूरा रिग्रेशन है वो गलती से रिग्रेस काल वो टाइप हो गया तो रिग्रेशन लाइंस अब रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं रिग्रेशन लाइन जो होंगी वो क्या करती है एवरेज रिलेशनशिप बताती हैं वही दो वेरिएबल्स के बीच की अब दो वेरिएबल हमारे क्या क्या हैं एक्स और वाई तो हमारी दो लाइंस बनेंगी लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई और दूसरी बनेगी लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स देखिए अब रिग्रेशन लाइन को हम क्या भी बोल सकते हैं लाइंस दिस इज द लाइंस दिस इज नॉट ल्यून्स इट इज लाइन लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट देर आर टू रिग्रेशन लाइन वन इज लाइन ऑफ एक्स लाइन्स ऑफ एक्स ऑन वाई एंड सेकेंड वन इज लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स जब हम एक्स ऑन वाई की बात करते हैं एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वाई पर तो हमारी जो इक्वेशन बनती है ना फर्स्ट केस में यही लिख देती हूँ वो बनेगी क्या है एक्स किसके ऊपर एक्स ऑन वाई इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू ए ए कॉन्स्टेंट है प्लस बी वाई ठीक है लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हियर वाई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड इन दिस इक्वेशन एक्स डिपेंड्स ऑन वाई क्लियर सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइट दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेट्स कम टू द टॉपिक द नेचर ऑफ द रिग्रेशन लाइन्स की रिग्रेशन लाइन so, uh, to क्या क्या होती हैं और जब रिग्रेशन लाइन इंट हो तो आर की वैल्यू क्या होगी ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे देखिए फर्स्ट सिचुएशन क्या बनती है अगर दो रिग्रेशन लाइन को हो को इंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर लाई कर रही हो मतलब जब एक लाइन दूसरे के ऊपर होगी तो एक ही रिग्रेशन लाइन बनेगी एक्स ऑन वाई भी वही होगी वाई ऑन एक्स भी होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी आर की वैल्यू या तो प्लस वन होगी या फिर माइनस वन ठीक है जब लेफ्ट टू राइट जाता है अववर्ड दैन डैट इज़ आर इज इक्वल टू ये वाला जो नज़र आ रहा है ना आपको ये ए की लाइन है ये दिख रही होगी यहाँ पर आर क्या है आर की वैल्यू है प्लस वन पॉजिटिव कोरिलेशन रिलेशन हेयर अपर लेफ्ट से लोअर राइट right, तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस वन सेकेंड कंडीशन क्या बनती है अगर हमारी जो दो रिग्रेशन लाइन है ये वाली एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पर इंटरसेक्ट करें लिख लेना ये कुछ गड़बड़ हो गया है लिखने में इफ़ टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट नाइन्टी डिग्री ये देखिए एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी जीरो आर की वैल्यू जीरो होने का मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड uh, बोलती है द नियर द रिग्रेशन लाइन टू ईच अदर द ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ कॉरिलेशन एंड वाइस वर्सा जितनी पास होगी यहाँ पर ये नैरो बन रहा है ये वाइड बन रहा है उतना ज़्यादा क्या होगा आपस में कोरिलेशन होगा जितनी दूर होगी उतना कम कोरिलेशन होगा जहाँ पर ये नेक्स्ट भी ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया सुन लो जहाँ रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ये वाला पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स को ये हमारा पॉइंट होता है एक्स मीन और वाई मीन का यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज ऑफ एक्स एज वेल एज एवरेज ऑफ वाई मतलब ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जहाँ एक्स की एवरेज होगी और वाई की क्लियर ये था कुछ फंडामेंटल्स रिगार्डिंग द रिग्रेशन लाइन नेक्स्ट स्लाइड पर हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कॉफिशेंट ये पता नहीं आधा कैसे रह गया रिग्रे इसे रिग्रेशन कर लीजिएगा रिग्रेशन कॉफिशियंट अब देखिए रिग्रेशन के दो कॉफिशियंट होते हैं पहले मैं आपको बता दूं एक होता है बी वाई एक्स एक होता है बी एक्स वाई ठीक है तो यहां पर जो रिग्रेशन कॉफिशेंट है रिग्रेशन कॉफिशियंट बी वाई एक्स कौन से वाला होगा रिग्रेशन कॉफिशियंट बी वाई एक्स होगा वाई ऑन एक्स और बी एक्स वाई एक्स ऑन वाई तो दो रिग्रेशन कॉफिशियंट होते हैं दिस इज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशियंट ध्यान रखिएगा सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशियट देखिए पहले मैं इसे रब करती हूँ फिर मैं आपको ये समझाती हूँ इस पॉइंट को क्या बोला गया है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कॉफिशियट ऑफ कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं आर से इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशेंट अभी मैंने आपको बताया कि दो रिग्रेशन कॉफिशेंट होते हैं कौन कौन सा एक होता है बी वाई एक्स और दूसरा होता है बी वाई एक्स क्या वो एक होता है बी वाई एक्स और दूसरा होता है बी एक्स वाई क्या बोला जो कोरिलेशन कॉफिशेंट है वो क्या है ज्योमेट्रिक मीन है दोनों किसका रिग्रेशन कॉफिशेंट का ये आर हो गया हमारा आर किसके इक्वल हो जाएगा दो हाँ, हमारे पास नंबर है उसका जो मीन होता है ना रूट ए बी तो यहाँ दो नंबर हमारे पास क्या है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्लियर तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही बोल रही है कि जो हमारा आर है आर क्या है हमारा वो अर्थमेटिक मीन है दोनों रिग्रेशन कॉफिशेंट का क्लियर इतना अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है बोथ द रिग्रेशन कॉफिशेंट हैव द सेम एल्जेब्रिक साइन मतलब जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के जो एलजेब्रिक साइन होंगे मतलब अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा बी वाई एक्स नेगेटिव है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज स्टार्ट ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशेंट बिकॉज आर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों रिग्रेशन कॉफिशियंट से तो जो साइन हमारा रिग्रेशन कॉफिशियंट का होगा वही साइन हमारा क्या होगा कोरिलेशन के कॉफिशियंट का नेक्स्ट पॉइंट बोलता है बोथ द रिग्रेशन कॉफिशेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों के दोनों जो कॉफिशियंट हैं वो किससे बड़े नहीं होंगे या तो वो क्या हो सकते हैं प्लस वन के इक्वल हो सकते हैं या माइनस वन मतलब पर वो एक से बड़े नहीं मतलब इनकी वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में ही लाई करेगी क्लियर नेक्स्ट बोला है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशियंट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द कोरिलेशन रिलेशन कॉफिशियंट लिखा ये अर्थमेटिक मीन हो गया दोनों का बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू ये या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा आठ से आठ से क्या नहीं हो सकता छोटा नहीं हो सकता अब आगे हम बात करते हैं ओरिजिन और स्केल के चेंज होने का शिफ्ट ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट रिग्रेशन कॉफिशेंट कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा रिग्रेशन के अंदर बट अगर स्केल को चेंज कर देते हैं तो जो हमारा रिग्रेशन कॉफिशेंट है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा मतलब प्लस माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा चलिए अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज की और देखिए एक एक करके पढ़ते जाइए अगर हमें रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला हो जाता है वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स बी वाई एक्स क्या है वाई ऑन एक्स वाला हमारा कोफ़िशेंट uh, है रिग्रेशन का एक्स माइनस एक्स मीन यहाँ बी वाई एक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम एक्चुअल मीन यूज़ कर रहे हो एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्र माइनस समेन एक्स का होल स्क्र इफ वी कैलकुलेट दिस बाय अज्यूम मीन देन फॉर्मूला वुड बी एन समेन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन डी एक्स स्क् माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्र को फॉर्मू फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास क्या गीवन हो कोरिलेशन कॉफिशेंट भी गीवन हो तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका बी वाई एक्स कैलकुलेट करने का आर इंटू स्टैंडर्ड एविशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स दिस इज अजिएस्ट फार्मूला ओके आपके पास जैसे सीनरी होंगे उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला यूज करेंगे वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाईन द फार्मूला विल बी एक्स माइनस एक्स मीन बी एक्स वाई वाई माइनस वाईव इन फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे जैसे हमने ऊपर वाले बनाए ठीक है ग्रुप वाला आपका है ही नहीं क्योंकि आपका टू नंबर्स का है नेक्स्ट पर आ जाइए रिग्रेशन कॉफिशेंट हमारा कैसे निकलेगा आप ये भी बताया वी वाई एक्स के लिए आर इंटू स्टैंड एविशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स बी एक्स वाई के लिए आर इंटू स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविशन ऑफ वाई आर कैसे कैलकुलेट होता है दोनों का जोमेट्रिक मीन वही वी एक्स वाई इंटू वी वाई एक्स का स्क्र रूट स्टैंडर्ड एरर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट स्टैंडर्ड एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन ये अगर वही एक्स ऑन वाई निकालना तो हो तो स्टैंडर्ड एविशन ऑफ एक्स इंटू वन माइनस आर स्क्यर का रूट ओवर इसी तरीके से एस वाई एक्स निकालना हो मतलब वाई ऑन एक्स स्टैंडर्ड एरर निकालना हो तो स्टैंडर्ड डिशन ऑफ वाई इंटू वन माइनस आर स्क्वेयर ठीक है तो ये थे हमारा ऑल अबाउट वन अ क्विक अविक रिवीजन ऑन रिग्रेशन आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कोई डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं ठीक है और जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए थैंक यू सो मच